व्यूअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिकमेंड रहा है, उनका कमेंट आया है कि मशीन की प्राइस आप वीडियो के अंदर बताया करें। तो आज हम ये वीडियो के अंत में मशीन की प्राइस भी बताएंगे दोस्तों। एडिशनल चीज़ डिस्प्ले में से इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, यहाँ पे डिजिटल टच पैनल दिया है जिसके हिसाब से इसमें से सेट कर सकते हो। फिलहाल आपके सामने जो तीनों तीन मशीन रन कर रही है, बन चुका आपका वाटर बेस का, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के सिरप्स के टॉपिंग्स आप डाल सकते हो। अब देखिए फ्लेवर का हमने प्रीमिक्स डाला था, इसलिए वेनिला फ्लेवर का बिंगसु प्रीमिक्स आइसक्रीम बनके निकल रहा है। आप देखिए 12 रुपए का हमने जो मटेरियल बनाया था उसमें से आधा इसको ऐड कर दिया हमने। अब देखिए लाइव टू लाइव फ्लेक्स कीवी के फ्लेक्स बनके निकल रहे हैं, कितना बेहतरीन फ्लेक्स है, इसका क्वालिटी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली हमारी न्यू प्रोडक्ट 2024 की सबसे लेटेस्ट हाई प्रॉफिट हाई इनकम बिजनेस वाली प्रोडक्ट की वीडियोस बना रहे दोस्तों। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिकमेंड रहा है, उनका कमेंट आया है कि मशीन की प्राइस आप वीडियो के अंदर बताया करें। तो आज हम ये वीडियो के अंत में मशीन की प्राइस भी बताएंगे दोस्तों। एडिशनल चीज़ें मशीन की डिस्काउंट प्राइस क्या है, आफ्टर डिस्काउंट आपको मशीन कितने में फाइनल पड़ेगी, ये हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाले दोस्तों। वीडियो के अंदर टोटल हम 5 सेटअप के ऊपर ये वीडियो बना रहे दोस्तों। 5 सेटअप में सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है उसकी जानकारी देंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट सेटअप है उसका कि मशीन के अंदर मटेरियल कैसे बना के डाला जाता है, क्या-क्या प्रोडक्ट उसमें डाला जाते हैं, उसका लाइव प्रैक्टिकल बना के आपको पूरा रेडी जो हमारे पास प्रोडक्ट बने उसकी सब रेसिपी बना के और एक प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ता है वो डिटेल्स देंगे दोस्तों। तीसरे नंबर मशीन क्या क्वालिटी से बनाई गई है दोस्तों, मशीन में क्या-क्या सिस्टम डाला है, क्या-क्या सामान डाला है और कौन सी कंपनी का स्पेयर पार्ट मशीन में यूज किया गया है। चौथे नंबर में मशीन के अंदर कौन से मॉडल्स है हमारे पास दोस्तों, कितने कितनी कैपेसिटी के मॉडल्स है वो बताएंगे। और पांचवें सेटअप में मशीन की प्राइस, मशीन का डिस्काउंट प्राइस और मशीन के ऑर्डर कैसे करना है आपको, मशीन आपको कैसे मिलेगी, किस तरह से डील होगी दोस्तों। तो ये 5 सेटअप के अंदर हम पूरी वीडियोस को बनाने वाले दोस्तों। तो टाइम के गवाए बिना सबसे पहला सेटअप नंबर का स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। सबसे पहले जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों इसको बोला जाता है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कोरियन है, कोरियन प्रोडक्ट है, इसको कोरियन आइसक्रीम मशीन भी बोला जाता है, कोरियन लैंग्वेज में इसको बिंगसु कोरियन आइसक्रीम बोला जाता है, बिंगसु आइसक्रीम बोला जाता है। आप गूगल में जाकर सर्चेस करेंगे तो इसकी 1000+ वेराइटीज आपको गूगल पेजेस के अंदर दिखेगी कि किस तरह की वेराइटीज बिंगसु आइसक्रीम में बनती है दोस्तों। ये प्रोडक्ट दोस्तों 20 रुपए लेके 500 रुपए तक की डीसी से आप ये प्रोडक्ट के अंदर से बना सकते हो। प्लस मशीन के अंदर 100+ में कहते हैं तो उसके अंदर आप गोला भी बना सकते हो, डिश गोला भी बना सकते हो, प्याली भी बना सकते हो दोस्तों। जैसे आप बाजार में डिश गोला प्याली जो खाते हैं उस तरह का भी प्रोडक्ट बना सकते हो, डिफरेंट टाइप का फ्लेक्स टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो भी इसके अंदर आप बना सकते हैं दोस्तों। ये मशीन यहाँ पे तीनों तीन रन कर रही है, आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी तीनों तीन मशीन के अंदर प्रोडक्ट बना के आपको दिखाने वाले दोस्तों। टू अभी ले लेते हैं दोस्तों, नंबर टू का कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, नंबर टू में आप इसके अंदर से क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं दोस्तों। ये मशीन के अंदर से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई पर्टिकुलर ऐसा सिलेक्टेड नहीं है कि यही मटेरियल डालना है वो यही प्रोडक्ट इसके अंदर से बनेगा, यही फ्लेवर इसका रेसिपी है और यही फ्लेवर से इसके अंदर मेक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। खाने पीने की लिक्विड प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप मशीन के अंदर से बना सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे कि हर तरह का सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, थम्सअप, जीरा मसाला, काला खट्टा, हर तरह का सोडा का सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हो, हर तरह के फ्रूट के जूस मशीन में डाल सकते हो, हर तरह के मिल्क शेक डाल सकते हो, मिल्की बेज आइटम डाल सकते हो दोस्तों, पानी डाल सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप इसके अंदर डालेंगे लाइव टू लाइव 5 सेकेंड के अंदर बन के निकलेगा दोस्तों। मेन मशीन की खासियत वही है कि आपको जरा भी वेट नहीं करना है, ना तो आपके कोई कस्टमर को वेट करना है। जैसे भी आप ऊपर प्रोडक्ट डालेंगे उसका बेहतरीन क्वालिटी का स्नो बनेगा, या तो आपको फ्लेक्स बनाना है तो फ्लेक्स बनेगा, स्नो बनाना है या फ्लेक्स बनाना है। यहाँ पे आप डिजिटली डिस्प्ले में से इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, यहाँ पे डिजिटल टच पैनल दिया है जिसके हिसाब से इसमें से सेट कर सकते हो। फिलहाल आपके सामने जो तीनों तीन मशीन रन कर रही है, तीनों तीन मशीन 24 घंटे में 250 किलो प्रोडक्शन वाली मशीन है। 10 सेंटीमीटर का रोलर दिया गया है इसके अंदर दोस्तों। अभी हम इसकी आपको रेसिपी बताएंगे दोस्तों कि कैसे इसको रेसिपी बनाना है। सबसे पहले हमने तीनों में पानी डाला हुआ है, इसलिए पानी का एकदम पाउडर जैसा स्नो बन रहा है। आप देखिए बेहतरीन पाउडर फॉर्म में स्नो बन रहा है इसका, आप देखिए एकदम पाउडर फॉर्म है।
जो बाजार में गोला प्याली मिलता है वो हैवी आइस रहता है और ये पूरा पाउडर फॉर्म का स्नो है। आप देखिए, अगर इस तरह से आपको डीज गोला या प्याली भी बनाना है दोस्तों, तो इस तरह से आप डीज गोला और प्याली भी इसके अंदर बना सकते हो। इस तरह का जो स्पून रहता है, मशीन के साथ स्पून आ जाएगा, आपको इस तरह से आइस ले लेना है। अब देखिए, इस तरह से आपको डिश में आइस ले लेना है। ये इसका स्टोरेज बाउल भी आता है साथ में, इसमें आप स्टोर भी कर सकते हो इस तरह से। अब देखिए, ये पूरा प्याली बन चुका आपका वाटर बेस का। उसके ऊपर अलग अलग तरीके के सिरप्स के टॉपिंग्स आप डाल सकते हो। अब देखिए, हमने फिलहाल अभी इसमें चॉकलेट का टॉपिंग्स डाला हुआ है, इसलिए चॉकलेट का डिशेस बन रहा है बेहतरीन। आप देखिए, उसके बाद अलग अलग तरीके के इसके अंदर स्प्रिंकल भी आप डाल सकते हो। आप देखिए, इस तरह से आप अलग अलग तरीके के स्प्रिंकल डाल सकते हो, डिफरेंट कलर्स के स्प्रिंकल डालने हैं तो डिफरेंट कलर के भी स्प्रिंकल डाल सकते हो। उसके ऊपर आप मलाई डाल सकते हैं, रबड़ी डाल सकते हो दोस्तों, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, काजू बादाम डाल सकते हो। उस तरह का प्यालीस भी बना के आप बाजार में आसानी से दे सकते हो। आप देखिए, इसको डिश गोला और प्याली भी ये मशीन के अंदर से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप प्लेन वाटर से चला सकते हो तो अलग अलग तरीके के इस तरह के सिरप सुपर से ऐड करके प्याली गोला, डिश गोला, सल्ली गोला भी ये मशीन के अंदर, इस तरह से मशीन में सल्ली गोला भी बनाना है तो इस तरह से आपको ग्लास शेप या कोई भी ले लेना है, उसके अंदर इस तरह से आइस को ऐड कर देना है। आप देखिए, इस तरह से आपको आइस को ऐड कर देना है ग्लास के अंदर। इसके अंदर कोई भी आपको स्टिक लगा देना है, जैसा भी आप स्टिक चाहेंगे वैसा स्टिक इसके अंदर ऐड कर देना है। आप देखिए, ये आपका सल्ली गोला बनके तैयार है। इसके ऊपर अलग अलग सिरप और अलग अलग टॉपिंग्स भी आप ऐड करके एक बेहतरीन सल्ली गोला भी बना सकते हो। आप देखिए, आपका बेहतरीन सल्ली गोला, काला खट्टा, चॉकलेट, पाइनएप्पल, कोई भी फ्लेवर का इस तरह का सल्ली गोला भी मशीन के अंदर से बना सकते हो। प्लस मटेरियल मशीन के अंदर से आपको मिल्क बेस का कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने मिल्क लेके रखा हुआ है, ये प्लेन मिल्क के, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है तो इस तरह से मिल्क लेना है, या तो कोई इसके अंदर आपको सिरप डालना है, ये तो हमारे पास सब सिरप पड़े, जो भी फ्लेवर का आपको सिरप डालना है तो सिरप भी डाल सकते हो, और प्रीमिक्स डालना है आपको तो इस तरह से आप इसमें प्रीमिक्स भी डाल सकते हो। आप देखिए, अभी इसमें प्रीमिक्स डाल दिया हमने, उसके बाद उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे, मिल्क और प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखिए, प्रीमिक्स हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, पाउडर और मिल्क दोनों अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। देखिए, ये पूरा गाढ़ा हो चुका है मटेरियल हमारा, ये तकरीबन अराउंडली मिल्क और प्रीमिक्स के साथ तकरीबन 11 से 12 रुपए का मटेरियल हमारे को पड़ा है, मिल्क और पाउडर को मिला के दोस्तों। ये डिश आपको कितने में मेकिंग होगा और आप खुद सोच सकते हैं कि इसको आप बाजार में कितने में आसानी से सेल कर सकते हैं। इस तरह से हम अभी मिल्क का मटेरियल बनाएंगे, फिर हमने नारियल पानी लिया उसका बनाएंगे, फिर ऑरेंज है, ऑरेंज का भी फ्लेवर आपको स्टेप बाय स्टेप सब बना के दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें जो वाटर आ रहा है तो इसको वाटर को हम रिमूव कर लेंगे, इसको रिमूव होने के बाद इसमें जो स्टोरेज वाटर पड़ा है उसको भी नीचे से ट्रे खोल के निकाल लेंगे। आप देखिए, ये पूरा पानी निकल चुका है, इसलिए अभी 0-0 हो चुका है, पानी नहीं है जरा भी इसमें। अभी इसका फ्लेक्स बना के दिखाएंगे, सबसे पहले इस तरह का बाउल इसमें फिट कर देंगे, इसलिए हमारा सप्लाई मटेरियल ऊपर से जितना जो मटेरियल डालना है उसका सप्लाई होना चालू हो जाएगा। अभी हम यहाँ डिस्प्ले में से सेटिंग करेंगे फ्लेक्स बनाने के लिए, इसका स्पीड सेट कंट्रोल करेंगे। अभी हमारे को इसमें से स्नो नहीं बनाना है, इसका फ्लेक्स बनाना है, बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बनाना है, क्योंकि हमने अभी मिल्क बेस वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं इसमें से। हमारे पास जो मटेरियल पड़ा है ये पूरा हम नहीं डालेंगे, इसके अंदर आधा ही मटेरियल हम ऐड करेंगे। तभी 0-0 हो गया है, जरा भी स्नो नहीं गिरा क्योंकि पानी खत्म हो चुका है इसमें। तब देखिए, आधा ही मटेरियल हमने इसमें डाला हुआ है।
अब देखिए कैसा बेहतरीन रोल फॉर्म में आ रहा है आइसक्रीम। देखिए बिंगसु कोरियन ओरिजिनल आइसक्रीम बोला जाता है इसको, मिल्की बेस का। अब देखिए ये वेनिला फ्लेवर का हमने प्रीमिक्स डाला था, इसलिए वेनिला फ्लेवर का बिंगसु प्रीमिक्स आइसक्रीम बनकर निकल रहा है। आप देखिए 12 रुपए का हमने जो मटेरियल बनाया था उसमें से आधा 6 रुपए का हमने मटेरियल इसमें डाला हुआ है। 6 रुपए के मटेरियल के अंदर से कितना हमको मटेरियल बन के निकल रहा है मशीन में से। आप देखिए जब मटेरियल कम होगा तो ये रोलर खाली हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये पूरा रोलर खाली हो रहा है, इसलिए मटेरियल 0-0 हो रहा है इसमें से। ये अपना 6 से 7 रुपए का वाटर मिल्की बेस का वेनिला का फ्लेवर बनके तैयार हो चुका है। उसके ऊपर हम अलग से टॉपिंग्स करेंगे चॉकलेट का। आप देखिए हमारे पास ये चॉकलेट्स पड़ा हुआ है तो चॉकलेट्स का टॉपिंग्स करेंगे इसका। देखिए टॉपिंग्स कर दिया है, उसके बाद अलग अलग कलर से स्प्रिंकल भी ऐड करेंगे इसमें। आप देखिए उसके बाद इस तरह से स्पून बना के आपको कस्टमर को दे देना है। ये आपको डिश बनाने का खर्चा आपको 8 से 9 रुपए का पड़ा है, जिसके अंदर मिल्क आ गया, पाउडर आ गया, चॉकलेट आ गया, इसका स्प्रिंकल्स आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, मैक्सिमम 8 से 9 रुपए का ये डिशेज बनेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि ये डिश को आप बाजार में कितने का सेल कर सकते हो। आप देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेक्स बन रहा है इसमें। देखिए देखिए इसका क्वालिटी देखिए आप। उस तरह से अभी हम इसमें बनाएंगे वाटर बेस का शरबत का स्नो बिंगसु आइसक्रीम बनाएंगे शरबत का फ्लेक्स टाइप में। अभी हमारे पास यहाँ पे मालास कंपनी का कीवी का क्रश फ्लेवर पड़ा है जो बाजार में हर जगह अवेलेबल रहता है दोस्तों, इसका हम आपको बना के दिखाएंगे रेसिपी। इसको किस तरह से वाटर बेस में बनाना है, आप मिल्क बेस में भी बना सकते हैं, वाटर बेस में भी बना सकते हो। अब देखिए इसका हम थोड़ा सिरप ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया हमने, उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा वाटर इसमें। अब देखिए वाटर ऐड कर दिया है, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेचुरल फ्रूट क्रश ही आइटम है। अब देखिए इसके अंदर क्रश बन के आ रहा है इसमें। देखिए शरबत का भी क्रश आ रहा है इसके अंदर। देखिए एप्पल पा रहे, हर एक दाना कीवी का फ्लेवर के दाने आ रहे हैं इसके अंदर। ये तकरीबन हमारे को इतना मटेरियल पड़ा है 5 से 6 रुपए का, 5 to 6 रुपीज का मटेरियल पड़ा है हमारे को। इसको 0-0 कर देंगे हम, यहाँ पे पानी देख लेंगे पूरा पानी है या नहीं एक बार चेक कर लेंगे। 0-0 हो चुका है ट्रे, इसमें से स्नो निकलना भी बंद हो चुका है फिलहाल। डिशेज ले लेंगे हम यहाँ पे, और जो अभी हमने कीवी का मटेरियल तैयार किया है आपके सामने लाइव टू लाइव इसमें एड ऑन करके दिखाएंगे आपको। इसको ऐड कर दिया हमने। अब देखिए लाइव टू लाइव फ्लेक्स कीवी के फ्लेक्स बन के निकल रहे हैं, कितना बेहतरीन फ्लेक्स है। इसका क्वालिटी देखिए दोस्तों, एकदम बारीक रुई जैसा प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, जरा भी वेट नहीं, एकदम लो वेट है। अब देखिए ये 5 से 6 रुपए का जो मटेरियल है, आप कितने में इसको बाजार में डिशेज को सप्लाई कर सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं। ये बनाने के बाद कीवी का जो नेचुरल फ्रूट रहते हैं उसके पीसेस का, उसके ऊपर डेकोरेशन भी आप कर सकते हो बेहतरीन क्वालिटी का। आप देखिए यहाँ पे भी क्रशेस के लेवल आ रहे हैं, रोलर के ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा। खत्म हो चुका है, रोलर खाली हो रहा है आप देख सकते हैं धीरे धीरे। उसके बाद दूसरा फ्लेवर, तीसरा फ्लेवर, चौथा फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर सब बना के डाल सकते हो। अब देखिए ये हमारा 5 से 6 रुपए का मटेरियल हो गया, और आप जो डिशेज का कॉस्टिंग गिनेंगे वो अलग से, आपका कितने वाला आप डिशेज रखते हैं डेकोरेशन के हिसाब से वो आपको अलग से काउंट कर लेना। इसका क्वालिटी देखिए, इसका क्वालिटी एकदम बारीक है। देखिए दोस्तों रबड़ी और मलाई का जो क्वालिटी रहता है वैसा सेम, वाटर बेस्ड डाला है फिर भी हमने मिल्क बेस्ड नहीं डाला है दोस्तों इसमें प्रोडक्ट। आप देखिए ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट डालने के बावजूद भी इसका क्वालिटी देखिए। उसके बाद इसमें भी आप अलग अलग स्प्रिंकल्स या नेचुरल कीवी के फ्रूट के पीसेस करके भी ऊपर से श्रृंगार कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। आप देखिए
₹7 का डीसी आपको पड़ा है। आप खुद सोचिए कि आप इसको बाजार में कितने का बाजार में इसको सेल कर सकते हो। आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फ्रूट जूसेस। जैसे आपको मैंने बताया नारियल पानी, ऑरेंज, मौसम्बी, दाड़म, बनाना शेक, कोई भी एप्पल का शेक, कोई भी प्रोडक्ट का बनाएंगे। ये भी हमारा पानी खत्म हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। आप देखिए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ से लेके आए बाजार से नारियल पानी। आप देखिए, आपके सामने इसको नारियल पानी को ओपन करेंगे, फ्रेश नारियल का जूस। आप देखिए, पानी निकल चुका है यहाँ पे, हाफ कप ही निकाला हमने दोस्तों। ये तकरीबन ₹30 का नारियल पानी लेके आए, उसके अंदर से 1.5 ग्लास ऐसा भरता है दोस्तों, इसलिए तकरीबन ये ₹10 का नारियल पानी हमारे को कॉस्टिंग आया है। इसका बेहतरीन क्वालिटी का स्नो, ये डाल दिया नारियल पानी। नारियल पानी का स्नो आना चालू हो चुका है दोस्तों। आप देखिए, ये ₹10 का नारियल पानी का कितना बन रहा है। आप देखिए, एकदम पाउडर बन रहा है इसका। आप देखिए, क्योंकि हमने इसका सेटिंग पाउडर बेस में रखा है, स्नो में रखा है, इसलिए इसका बेहतरीन पाउडर बन रहा है। आप देखिए, ₹10 के अंदर कितना मटेरियल बन के निकल रहा है इसके अंदर। आप देखिए, कस्टमर के सामने आपको नारियल को ओपन करना है और उसके सामने ही मशीन के अंदर डालना है। कस्टमर को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके अंदर कोई मिलावट है या कुछ मिक्स किया है अलग से, उसके सामने ही उसको लाइव टू लाइव प्रोडक्ट बना के आपको दिखाना है। आप देखिए, ये जब नारियल पानी खत्म हो गया, देखिए अभी निकलना बंद हो चुका है, पूरा 0-0 हो चुका है, इसलिए नारियल पानी का स्नो निकलना कम हो चुका है। ये आप नेचुरल फ्रेश फ्रूट आप बाजार में कम से कम इसको 25-30 या 40 रुपए में भी आसानी से नारियल पानी का बेहतरीन पाउडर स्नो। अब देखिए इसका क्वालिटी, देखिए कितना बेहतरीन, एकदम लो वेट है इसका क्वालिटी। अब देखिए, उसके बाद अलग अलग तरह का फ्रूट्स का भी इसके अंदर जूस निकाल। उसके बाद हम अभी ऑरेंज का जूस निकालेंगे, ऑरेंज, मौसम्बी, दाड़म, कोई भी फ्रूट जूस का आप इसके अंदर से स्नो भी बना सकते हो, भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। ये जो ऑरेंज है इम्पोर्टेड ऑरेंज है, हमें बाजार से लाए, ₹120 किलो के हिसाब से लाइए, इसका वजन करेंगे। आप देखिए एक ऑरेंज का वजन कितना हुआ है, तकरीबन 200 ग्राम वजन शो कर रहा है, 200 ग्राम से, इसलिए तकरीबन आपको ये ₹25 का एक ऑरेंज पड़ा है, ₹25 का एक ऑरेंज पड़ा है। इसको हम कट करेंगे यहाँ पे, आपके सामने ही जूस निकालेंगे। आप देखिए, उसके बाद एक कप भी हमारे पास खाली है, देखिए इसको आपके सामने ही कप को लगा रहे, पूरा खाली कप है, उसके अंदर हम ऑरेंज का जूस निकालेंगे। आप देखिए, ऑरेंज का जूस निकल चुका है, एक ऑरेंज का पूरा, इसमें से कितना क्वांटिटी निकला है आपको ग्लास में भर के दिखाएंगे। 60% कप भरा है। अभी सेम यही प्रोडक्ट हम मशीन के अंदर डालेंगे। आप देखिए लाइव, अभी पूरा नारियल पानी 0-0 हो चुका था, उसके बाद अभी ऑरेंज का जूस निकालेंगे इसमें। ऑरेंज का जूस आना चालू हो चुका है दोस्तों। आप देखिए बेहतरीन क्वालिटी का, देखिए कितना फ्रेश और नेचुरल जूस बन के आ रहा है इसमें से। देखिए बिंगसु कोरियन स्नो बन के निकल रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का। आप देखिए, उसके ऊपर आप ऑरेंज के पीसेस कट करके भी डेकोरेशन कर सकते हो, ऑरेंज का टॉपिंग्स भी ऐड करना है तो भी कर सकते हो। अब देखिए, ऑरेंज का थोड़ा शरबत भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको एडिशनल ऊपर से अट्रैक्शन देना है तो उसमें आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेश फ्रूट जूस सभी तरह का आप इसके अंदर से, मशीन में एक ही मशीन है, 100 तरह का 100+ वेराइटीज इस मशीन के अंदर से आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। आप देखिए, ये बन के रेडी हो चुका है हमारा ऑरेंज का जूस, बन के रेडी हो चुका है।
मेरा ओनली 25 रुपए का हमारे को ये पड़ा है। आप बाजार से ऑरेंज जूस सस्ता भी या मौसम भी रहते हो तो सस्ता मिलता है आपको। ये ऑरेंज हम बाजार से महंगा लेके आए हैं, इम्पोर्टेड ऑरेंज है, इसके हिसाब से आप सस्ता 70-80 रुपए किलो वाला भी लेंगे तो और आपको सस्ता पड़ेगा। ये हमने बाजार से 120 रुपए का किलो लिया हुआ है, इसलिए हमको ये डिश 25 रुपए में पड़ा है। आपको सस्ता लेंगे तो 20 रुपया 15 रुपए में भी ये डिश पड़ सकता है। बाकी आप ये फ्रेश जूस का स्नो बाजार में कम से कम 50 से 60 रुपए में बेच सकते हो, क्योंकि ऑरेंज मौसम्बी का जूस का ग्लास ही 40-50 रुपए मिल रहा है। तो आप बेहतरीन क्वालिटी का स्नो बना के 40-50 रुपए में डिशेस बाजार में सेल कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको पूरी इसकी क्या ऑपरेटिंग होता है, क्या सिस्टम से मशीन में ऑपरेटिंग होता है, क्या क्या प्रोडक्ट आप मशीन में से चला सकते हो, और भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है जो आप ये मशीन के अंदर से निकाल सकते हैं। अभी हम मशीन का थर्ड नंबर का ऑप्शन जो हमारा है कि मशीन के अंदर क्या क्या सिस्टम, कौन सी क्वालिटी के पार्ट्स डाले, क्या कंप्रेसर डाला है, तो वो वीडियो बनाएंगे। तो हमारा थर्ड नंबर मशीन की क्वालिटी की बात करते हैं तो मशीन के अंदर यहाँ पे जो रोलर दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर का रोलर दिया गया है। हैवी ड्यूटी टेम्परेट ब्लेड दिया गया है, अच्छे में अच्छी ब्रांड के हाई क्वालिटी की डिजिटल टच पैनल दिया है। पैनल के अंदर आप मशीन को धो सकते हो, फ्रीजिंग कर सकते हो, छोटा बड़ा कप निकाल सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, हर एक चीज आप डिजिटली इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ करने के लिए मशीन का स्विच दिया गया है। मशीन के साइड लुक में आ जाए, यहाँ पे मशीन का साइड लुक हमने पूरा ओपन करके आपको बॉडी बताया। यहाँ पे जो मोटर लगा है वो स्टेपर मोटर है, सादा मोटर नहीं है दोस्तों। स्टेपर मोटर आप कंटिन्यू 24 घंटा भी चलाएंगे तो वो जलेगा नहीं दोस्तों। सादा मोटर होगा वो 8-10 घंटे के अंदर जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन मशीन के अंदर हमने स्टेपर मोटर लगाए। दूसरे नंबर में मशीन का जो मेन इंपॉर्टेंट जान है, मशीन की जो हृदय बोला जाता है दोस्तों, वो उसका कूलिंग कंप्रेसर है। ये कूलिंग कंप्रेसर हमने वर्ल्ड की टॉप नंबर की ब्रांड एम्ब्राको एस्पेरा, आप नाम सुना होगा या अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एम्ब्राको एस्पेरा कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर डाला है 1 HP का दोस्तों, 1 HP का कंप्रेसर डाला हुआ है दोस्तों। आप देखिए पूरा कंप्रेसर इसका, देखिए पूरा कैपेसिटर सिस्टम के साथ में पूरा कंप्रेसर डाला हुआ है। इस तरह पे इसका कंडेंसर सिस्टम डाला हुआ है, आप देखिए। मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए डिजिटल सर्किट बोर्ड इसको ऑपरेट करने के लिए डाला हुआ है इसके अंदर। बैक साइड लुक बता दीजिए, इसके अंदर 150 वॉट का हैवी ड्यूटी फैन डाला हुआ है एयर को सर्कुलेशन करने के लिए, अंदर का जो हीटिंग है उसको बाहर निकालने के लिए 150 वॉल्ट का फैन डाला हुआ है। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनाई गई है दोस्तों, कहीं पे भी लोहा एमएज मशीन में यूज नहीं किया गया है। इस मशीन की कैपेसिटी दोस्तों आप 24 घंटे के अंदर 250 किलो प्रोडक्शन कर सकते हो, चाहे आप पानी डालो, चाहे शरबत डालो, चाहे झूस डालो, चाहे दूध डालो, 1 घंटे के अंदर तकरीबन 9 से 10 किलो का एवरेज आपको ये मशीन के अंदर से मिलेगा। ये हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट फिनिश हो चुका है। उसके बाद फोर नंबर का पॉइंट है कि मशीन के अंदर कितने कितने मॉडल्स आते हैं और उसकी कैपेसिटी क्या क्या होती है। मशीन के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग मॉडल है। एक मॉडल है जो 24 घंटे में 80 किलो प्रोडक्शन निकालता है, दूसरे नंबर का मॉडल 24 घंटे में 250 किलो का प्रोडक्शन है, और उससे भी बड़ा है 24 घंटे में 400 किलो का मॉडल है। तो दूसरे मॉडल्स भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा मॉडल है 24 घंटे में 80 किलो प्रोडक्शन वाला। ये मॉडल हमारा पुराना मॉडल था लेकिन इसमें प्रॉब्लम आते थे इसलिए मॉडल को हमने बंद कर दिया है। उसके सामने हमने ये मॉडल को लॉन्च कर दिया। ये 50 किलो निकालता था, उसके सामने हमने ये मॉडल को बड़ा कर दिया है। इसमें जो रोलर रहता था वो 8 सेंटीमीटर का था, इसमें हमने रोलर बड़ा करके 9 सेंटीमीटर का कर दिया है। इसमें कंप्रेसर 0.3 HP का था, इसमें हमने 0.4 HP का कर दिया है। मशीन की साइज में भी आप देख सकते हो डिफरेंस दिया गया दोस्तों। तो ये हमारा मॉडल फिलहाल एक्टिव है, 24 घंटे में 80 किलो प्रोडक्शन निकालेगा आपको। 9 सेंटीमीटर रोलर है, हाई टेम्परेट, इसके अंदर ब्लेड डाला हुआ है कंट्रोलिंग और वॉशिंग के लिए। यहाँ पे कूलिंग और वॉशिंग के लिए बटन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे स्पीड कंट्रोल आप इससे मीटर से टाइमर से कर सकते हैं। मशीन के अंदर 0.4 HP की कंप्रेसर डाला है, पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनाई गई है। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा नंबर का मॉडल है 250 किलो वाला, जो मशीन के अंदर हमने आपको डेमोस्ट्रेशन जो दिया है। उसके बाद का जो अभी का लेटेस्ट मॉडल है, हैवी मॉडल है, 24 घंटे के अंदर 400 किलो प्रोडक्शन करके निकाल के देती है मशीन। मशीन में हमने 400 किलो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका जो रोलर का साइज है वो 16 सेंटीमीटर कर दिया। वो मशीन का है 10 सेंटीमीटर रोलर है, इसका हमने 16 सेंटीमीटर का हैवी स्टेनलेस स्टील रोलर कर दिया है। प्लस कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने इसमें जो कंप्रेसर डाला हुआ है वर्ल्ड की टॉप ब्रांड एम्ब्राको कंपनी का 1.5 HP का कूलिंग कंप्रेसर डाला है। बाकी सब क्वालिटी सेम रहता है, डिजिटल टच पैनल, मोटर, स्टेनलेस स्टील बॉडी, हर एक चीज सेम रहता है। तो ये 4 नंबर का स्टेप फिनिश हो चुका है। अभी हमारा आखिरी पॉइंट आता है 5 नंबर
स्टेप, प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइस और डिलीवरी सेटअप। मशीन की प्राइसिंग है दोस्तों, सबसे पहला जो मॉडल है हमारा 24 घंटे में 80 किलो प्रोडक्शन वाला जो मॉडल है उसकी कीमत 80,000 रुपया है, 80,000 कीमत है दोस्तों। मशीन आपको ऑफर और डिस्काउंट में 41,000 में दी जाएगी, 41,000 रुपए में मशीन दी जाएगी 80 किलो वाली। उसके बाद की ये डिजिटल मशीन 24 घंटे में 250 किलो वाली मशीन है, ये मशीन की कीमत है 1,45,000, 1,45,000 रुपए मशीन की कीमत है। ये मशीन आपको आफ्टर डिस्काउंट दी जाएगी 81,000 में, 81,000 रुपए में ये मशीन आपको दी जाएगी दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट मशीन है दोस्तों 400 किलो वाली, जो हमने बताई 16 सेंटीमीटर रोलर वाली मशीन है, उसकी कीमत 1,80,000 रुपया है, आफ्टर डिस्काउंट 1,15,000 रुपए में वो मशीन दी जाएगी। प्राइस सेम रहेगा, डिस्काउंट ऑफर दोस्तों लिमिटेड समय के लिए दोस्तों, ये ऑफर कंटिन्यू रहने वाला नहीं है। जब तक हमारे पास ऑफर वाला मटेरियल पड़ा हुआ है तब तक हम आपको उसका सप्लाई करेंगे, मटेरियल फिनिश हो जाएगा, ऑफर क्लोज हो जाएगी और जो एक्टिव रेट है वो रहेगा। मशीन की दोस्तों पूरी हम जो प्राइस दी है उसके अंदर आपको कंप्लीट मशीन, उसकी पैकिंग, उसके इस तरह के बाउल से वो सब चीज मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाएगा। मशीन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से देना है दोस्तों। बुकिंग करने के बाद 2 दिन के अंदर यहाँ से मशीन आपकी निकल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी कोई भी लोकेशन पे, हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड काम करती है, पूरे इंडिया में चाहिए तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाएगी, इंडिया के बाहर आपको ये मशीन चाहिए तो भी कहीं पे मिल जाएगी, अवेलेबल मिल जाएगी दोस्तों। हमारी कुरियर कंपनी के साथ टाइप है दोस्तों, तो हम आपको फ्रेट और चार्जेस हम आपको बताएंगे दोस्तों। मशीन यहाँ से निकलने के बाद 7 से 8 दिन के अंदर आपके सिटी और आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगी। बुकिंग करने का तरीका है दोस्तों कि आप अगर मशीन इंटरेस्ट है तो आप बुकिंग करा सकते हो, 20% पेमेंट एडवांस देके इस मशीन को बुकिंग करा सकते हो, 80% पेमेंट जब मशीन आपके वहाँ सिटी में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मशीन पहुंचती है तब आपको बाकी का पेमेंट क्लियर करना और मशीन को आपको वहाँ से रिसीव कर देना है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपके कमिटमेंट के हिसाब से हर एक डिटेल्स और जानकारी दी है दोस्तों। तो मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अपलाइन।